नमस्कार साथियों, सूचना केंद्र पर आपका स्वागत है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। साथियों, आज फिर मीडिया प्रभारी श्री प्रभाकर बाबू को सूचना केंद्र पर मैं आमंत्रित किया हूँ। प्रभाकर बाबू, हमारे एक दर्शक बंधु ने सवाल किया है, वह सवाल ये है कि DPE मामले में बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में SLP मामला दायर कर दिया है, ये क्या है? दोस्तों, आपको पता ही होगा DEP जो प्राइमरी सेक्शन के लिए होता है, ऐसे शिक्षक जो बिहार सरकार के शिक्षक बनने के लिए पात्रता के लिए तो उसमें ट्रेनिंग जरूरी है। तो अगर आप अनट्रेन बहाल होते हैं तो उसमें अगर आप बहुत तरह का कोर्स होता है, DEP कोर्स अगर आप कर लेते हैं तो आप प्रशिक्षित के बराबर आप हो जाते हैं। यही है DPE। और यह पहली बार DPE जो अभ्यर्थी ट्रेनिंग कर लिए लेकिन बिहार सरकार ने उस ट्रेनिंग का मान्यता नहीं दिया, तो इन लोगों ने क्या कर दिया, जो हाई कोर्ट में जाके केस रीड कर दिया, जो केस किया था आपको 19 नवंबर 2016 को, तो बहस चला, फैसला आते आते हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय पटना ने 10 मई 2018 को यह फैसला उन लोगों के पक्ष में सुनाया कि जो ऐसे शिक्षक जो DPE कोर्स कर चुके हैं, परीक्षा फल के प्रकाशित के बाद से राज्य सरकार को ये आदेश दिया जाता है कि उसको उस स्थिति से उनको ट्रेन घोषित करते हुए वेतन दिया जाए। तो राज्य सरकार ने क्या किया, जो 2 महीना के अंदर ये लोग नहीं किया तो उनके जो थे अभ्यर्थी उन्होंने फिर संघ वालों ने क्या कर दिया, जो फिर हाईकोर्ट में अमानना केस कर दिया, ठीक 2 महीना के बाद किया जी। लेकिन राज्य सरकार ने उसी बीच में क्या कर दिया, ये मामला SLP लेके चला गया माननीय उच्चतम न्यायालय में। आज जो है उस SLP का सुनवाई है और कोर्ट में आज उनका सुनवाई है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के माननीय उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश संजय किशन कौशल जी हैं और माननीय न्यायाधीश दीपक गुप्ता जी की बेंच में उनको आज जो है उनका जो फैसला बहस चलेगी, शायद लग रहा है कि आज ही फैसला हो जाएगा। और हमें उम्मीद है कि ऐसे DPE प्रशिक्षित शिक्षक भाइयों का जजमेंट का फैसला आज ही शायद हो जाएगा, ऐसे खारिज हो जाएगा निश्चित। बिहार सरकार का SLP निश्चित खारिज हो जाएगा, क्योंकि आप देख ही रहे कि एक क्रम चल चुका है कि राज्य सरकार हो कहीं SLP लेके जाती है इस मैटर में तो लगभग खारिज होता जा रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज ये SLP जरूर से जरूर खारिज होगी। आपकी भविष्यवाणी और सटीक जो खबरें सच होती है, इसके लिए प्रभाकर बाबू आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दर्शकों की तरफ से भी आपको बहुत धन्यवाद।